जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इस ठंड के प्रभाव से हम अपना कैसे बचाव करें, हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। गर्म भोजन का सेवन करें, हर्बल टी का दिन में 2 या 3 बार ज़रूर प्रयोग करें। जैसे चाय में अदरक, काली मिर्च, तुलसी, मुलठी, इन द्रव्यों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पानी का सेवन करें, कोशिश करें गर्म हो पानी या फिर गुनगुना हो। फ्रिज से निकाला हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ हम डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें। ठंडे नेचर के जितने भी तरल पदार्थ हैं, जैसे कि ठंडी छाछ, ठंडा दही, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य ठंडे पदार्थ फ्रिज से निकाल कर हम तुरंत उनका सेवन ना करें। इसके अलावा दालों और सब्जियों के प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि वह ठंडी ना हो। दालों में जैसे कुलथ की दाल हो गया, काले चने हो गया या राजमा हो गया, माश की दाल हो गई, ये दालें बाय नेचर ही गर्म होती हैं। हम इनका प्रयोग ठंडी में ज़्यादा कर सकते हैं। दाल के सूप का प्रयोग भी हम अदरक, काली मिर्च, काला नमक डालकर सूप के रूप में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सब्जियों का सूप बनाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अगेन अदरक और काली मिर्च उसमें भरपूर मात्रा में आप डालकर उसके सूप पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूध का सेवन ठंड के सीजन में अवश्य करें। दूध में हो सके तो शुंठी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम या अखरोट या अन्य सीड्स, नट्स एंड सीड्स, मूंगफली, इनका प्रयोग हम अवश्य करें। इसके अतिरिक्त अनाज की अगर हम बात करें तो उसमें बाजरा, मक्का, कोदो या अदर मिलेट्स का प्रयोग जो है हम अपने आहार विहार में कर सकते हैं। हम अपने भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करें। इसके अतिरिक्त फलों में पपीता, सेब, मौसमी, अनार या अन्य जो भी ऋतु अनुसार फल अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करें। ध्यान केवल इतना रखें कि उनकी स्टोरेज हम फ्रिज में ना करें या फ्रिज से तुरंत निकाल कर हम इन फलों का सेवन ना करें। इसके अतिरिक्त व्यायाम जो है प्रतिदिन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाहर कोहरा पड़ रहा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा यह सुझाव है कि व्यायाम घर पे रहकर ही करें। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम आप अवश्य करें, जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यदि धूप अच्छी निकलती है तो धूप का सेवन ज़रूर करें। यात्रा करते समय, घर से ऑफिस जाते समय या बाजार मार्केट जाते समय अपने शरीर को अच्छे से ढक कर निकलें। जैसे हाथों, पैरों को और सिर को ठंडी हवा से ज़रूर बचाएं। मास्क का प्रयोग करें ताकि ठंडी हवा जो है हमारे नाक में या मुंह में डायरेक्टली ना जा पाए। सरसों के तेल की मालिश हम अपने शरीर पर रोज़ाना करें। इसके अतिरिक्त दिन भर जो है पानी का सेवन भी खूब करें, क्योंकि सर्दियों में पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता है, इसलिए आप गर्म पानी, गुनगुना पानी जो है बार बार पीते रहें। तो इस प्रकार यदि हम अपना आहार विहार और खान पान रखेंगे तो ठंड से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द रहना या बार बार खांसी जुकाम का हो जाना, इन बीमारियों से हम अपना बचाव जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।